कार्य करते हैं दोस्तों, जैसा कि जानते हैं अगर 2020 से 23 सेशन है तो आप कौन क्वेश्चन करके जाएंगे 2020 का, तो क्वेश्चन नहीं बल्कि आप टॉपिक पढ़ के जाइए, क्योंकि क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत कम दोहराया जाता है। बाद बाकी जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ ये सब में तो दोहरा दिया जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में टॉपिक को दोहराता है लेकिन क्वेश्चन को नहीं दोहराता। तो आप 2020 के क्वेश्चन देख लीजिए और वही वाला आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा। तो हम 2020 का दिखा देते हैं केमिस्ट्री सब्सिडियरी में, तो आप वही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा केमिस्ट्री सब्सिडियरी के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं केमिस्ट्री सब्सिडियरी, तो इस तरीके के आप टॉपिक को पढ़ लीजिए। ग्रुप ए में जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, एंट्रोपी ऑफ आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो ये क्वेश्चन को वो दोहरा सकता है। एक्सप्लेन कार्नोट साइकिल को भी दोहराएगा, ये भी दोहराएगा। फिर डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ रेट कंस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इस तरीके के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लीजिए, कार्नोट साइकिल पढ़ लीजिए, फिर एंट्रोपी ऑफ आइसोथर्मल, ये तो कम ही चांस है। फिर राइट शॉर्ट नोट्स एनी ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपको पूरा पर नोट्स लिखने आना चाहिए, दोहराता तो है ही, देख लिए। अब यहाँ पर खास टॉपिक पूछेगा, जैसे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, ये भी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन बहुत ईजिली है। डिफाइन रेडियो एक्टिव सीरीज, ये भी तो आपको जैसा कि यहाँ पर बता रहे ये खास है। जैसे डबल साल्ट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। और यहाँ पर यूपेक नेम, तो ये तो कम ही दोहराएगा लेकिन ये पक्का आएगा परीक्षा में, आपके परीक्षा में यूपेक नेम, भले ये चारों में से कोई ना आए लेकिन आएगा। फिर राइट शॉर्ट नोट्स, तो ये शॉर्ट नोट्स पूरे पर कर लीजिए, जैसा कि एप्लीकेशन ऑफ EDTA चिलेट्स। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ये क्वेश्चन पूरा कर लीजिए। बस इस तरीके के जो टॉपिक, जैसे यहाँ पर पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज से रिलेटेड पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर है एक्सप्लेन ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो इस तरीके से पढ़ लीजिएगा। और इस साइड भी थोड़ा क्वेश्चन है, तो इतना क्वेश्चन को आप कर लीजिए। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में क्वेश्चन करना है तो आपको ये क्वेश्चन कर लीजिए, तो इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ अगर समझ नहीं आ रहा है तो बस कम से कम इतना क्वेश्चन को खोज कर पढ़ लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको पता है ही कि नहीं मिलेगा, गैस पेपर भी नहीं मिलेगा आपको। तो फिर भी आप इस तरीके के टॉपिक पढ़ लीजिए, जैसा कि यहाँ पर जो भी पूछा गया हुआ है, यहाँ पर जो ग्रुप ए के इतना सारा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन बिहेवियर एंड एप्लीकेशन, फिर एस, तो इस तरीके के क्वेश्चन टॉपिक, बस टॉपिक को पढ़ना है, तो यही कहेंगे टॉपिक को पढ़िए। बाद बाकी केमिस्ट्री सब्सिडियरी पूरा पढ़ने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये भी तो बता दिए कि 2021 से 24 इसी तरीका से लिखा हुआ, और 2021 का क्वेश्चन हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, लेकिन ये कौन से ईयर का है, 2020 से 23 है, 21 से 24 वाला के लिए हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।